हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटेट 2021 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के टॉप 60 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी सागरमल गोपा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को किसने आगे बढ़ाया था? अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमक सत्याग्रह आंदोलन में राजस्थान का प्रथम डिटेक्टर किसे बनाया गया था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीरा बाहू उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? नसीराबाद, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने सर्वप्रथम विद्रोह की घोषणा की थी? तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, नसीराबाद अजमेर। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य राज्य कौन सा था? मेवाड़, पथेरीग्राम, जेमोलीग्राम, मारवाड़। मारवाड़, ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, वर्ष 1947 में भरतपुर में जबरन बेगार के विरोध में आंदोलन का संचालन किसने किया था? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी। बनी ठणी चित्रकारी सावंत सिंह नागरी दास के समय किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निहाल चंद्र। वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपुताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है सगत रासो? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमान वाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है जयपुर में, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां पर हुआ था? कश्मीर, पर्सिया, अफगानिस्तान, सिंध। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्सिया। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेशनल बुट फॉसिल पार्क ये कहां पर स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर।
नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिटी पैलेस जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भैंसलाना जयपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य में किस स्थान पर 30,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने का संयंत्र लगाया गया है? रामपुरा, खेतड़ी, रीगा, सांगानेर। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, खेतड़ी। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बहती है? राजस्थान में मानसून वर्षा जो है ये किस दिशा में बहती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये बहती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खिजड़ी, नीम, पलास, पारस, पीपल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पलास। ओके, इस क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, इसमें बोल रहा है कि सुमेलित करने के लिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? कोटा का मिलान जवाहर सागर बांध, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का हो जाएगा उम्मेद सागर बांध, बांसवाड़ा बजाज सागर बांध। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जा रही है या बढ़ती जाती है? किस दिशा में अरावली श्रेणियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वन जीव विहार सरिस्का। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? सुगा जी, ये स्थित है दौसा में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम बार औद्योगिक विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होती है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर। अगला क्वेश्चन, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? गन्ना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, वह कौन सी संस्था है जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजसिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जो जिले हैं वो हैं बीकानेर, हनुमानगढ़, चीरू। ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है?
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व में मानवाधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच एवं पंचों द्वारा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1959 में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव ये हुए थे वर्ष 1952 में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं सलाहकारी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? दक्षिणी राजस्थान। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? बीड़ी जो होती है किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, काजरी को कौन से अधिकरण से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो रही है? यूनेस्को। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन करती है? बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, नागौर। ऑप्शन डी जो है आपका नागौर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे जैसलमेर के। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ार का भोज संबंधित है, बड़ार का भोज ये किससे संबंधित है? सो गाइस ये संबंधित है विवाह से। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल माना जाता है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल जो है ये कब से माना जाता है? 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सास बहू का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो सास बहू का मंदिर जो है ये नागदा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजय पाल किस राज्य के संस्थापक थे? मेवाड़, भरतपुर, अजमेर, बूंदी। अजय पाल जो थे ये अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित नहीं है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामदेव, रामदेवरा। ठीक है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रावण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि थेवा कला का संबंध है उदयपुर, अजमेर, कोटा, प्रतापगढ़। थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? बांसवाड़ा, जयपुर, बूंदी, जालौर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बूंदी। राजपूताना क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, राजपूताना क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था?
कछवाहा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों में संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था? कोटा, अजमेर, सिरोही, चित्तौड़। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था कोटा, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला, संगीत, नृत्य, इनमें से कोई नहीं। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है संगीत, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र लिए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राठ क्षेत्र जो है ये किस जिले में है? अलवर जिले में, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजसमंद जिले में मिलने वाला संगमरमर है, राजसमंद जिले में मिलने वाला संगमरमर है क्लाइस्टिक, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सही सुमेलित है, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? उपकेश पटन, औशिया, ब्रजनगर, छालरा पाटन, क्रिजाबाद, चित्तौड़गढ़, श्रीमाल, भीनमाल, इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्यवर्ती अरावली पर्वत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है गाइस, गर्मियों के दिनों में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।